नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले एक ऐसे पर्व के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये पर्व है हिंदू साम्राज्य दिवस, जो पड़ता है ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी यानी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 13वीं तारीख को। इससे पहले कि मैं आपको इस पर्व की महत्ता समझा सकूं, जरूरी है कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी हो। आइए मैं आपको शिवाजी महाराज के संघर्ष की कहानी सुनाऊं। सुनेंगे ना? हाँ हाँ फूल कुमारी दीदी, हम सब सुनेंगे। तो सुनो, छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था और उनका जन्म 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था और बालपन से वे ही उनकी गुरु थीं। शिवाजी की कहानी उस जमाने की है जब पूरे दक्षिण भारत में मुगलों का साम्राज्य था। हिंदुओं को महज मुगलों का सेवक ही माना जाता था। यहाँ तक कि उन्हें अपनी पूजा अर्चना व तीर्थ जाने के लिए भी कर यानी टैक्स देना पड़ता था। उस जमाने में हिंदुओं का आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि कोई भी साधारण व्यक्ति हिंदू राजा को गद्दी पर बैठे देखने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले, वे भी मुगलों के ही सेवक थे। ऐसे समय में हमारे देश में अपनी हिंदू संस्कृति बचाने के लिए कई प्रयास चल रहे थे। कई राजा संत इस कार्य में लगे हुए थे, मगर किसी को भी कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसे वातावरण में शिवाजी ने स्वयं किसी राज परिवार से न होते हुए भी खुद की सेना बनाई और कुछ गांव वालों से निर्मित ये सेना छापा मार या गुरुल्ला युद्ध करती थी। बिना ज्यादा अस्त्र शस्त्रों के भी ये सेना मुगलों की शस्त्रों से लदी बड़ी भारी सेना को हराकर जीतने लगी और धीरे धीरे कर पूरे दक्षिण भारत को, जो मुगलों के अधीन था, फिर से हिंदू राज्य बना दिया गया। ये बात अपने में कितनी बड़ी बात है आप समझ ही सकते हैं। हिंदू साम्राज्य दिवस इसी दिन की याद में मनाया जाता है जब सन 1674 में इतने राजाओं और संतों के प्रयासों को अंत में शिवाजी ने सफलता तक पहुंचाया। यह दिन हिंदू राजा शिवाजी के राज्य अभिषेक का दिन था। यह दिन शिवाजी महाराज की विजय का ही नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र की अपने शत्रुओं पर विजय का दिन है। तो बच्चों, आज आपने शिवाजी के बारे में जाना कि कैसे उन्होंने किसी राज्य परिवार से न होते हुए भी अपने देश को मुगल दुश्मनों से मुक्त कराया। इस पर्व को सदैव याद रखना और इस पर्व की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कि हम गरीब हों, अमीर हों या किसी जाति धर्म में भी हमने जन्म लिया हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने ठान लिया है तो भारत माता की सेवा करने से हमें कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। आज की इस कहानी में बस इतना ही। साथ में बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय मां भारती। जय मां भारती।